हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज मैक्रोस, ठीक है, और सब रूटीन। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स असेंबली लैंग्वेज के अंदर एग्जैक्टली क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि असेंबली लैंग्वेज मैक्रोस क्या होती है। तो पहले तो मैक्रो क्या होता है वो हमें समझना है। ठीक है, तो मैक्रो एक्सेक्टली इस चीज को बनाया जाता है कि जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके अंदर जितने भी आपके पास फंक्शनलिटी दी गई है, अगर आपको कुछ उसके अंदर और ऐड करना है, ठीक है, मतलब उसकी जो प्रोग्रामिंग रहती है, जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो उसके अंदर अलग से कुछ आपको एडिट करवाना है, तो उसके लिए मैक्रो की यूज की जाती है। मतलब हैकर जो होते हैं बहुत सारे, ठीक है, वो मैक्रो का यूज करते हैं कि आपकी जो सॉफ्टवेयर रहती है, सॉफ्टवेयर को करप्ट करना है, तो उसके लिए वो मैक्रो की मदद से एडिटिंग की फंक्शनलिटी चलवा देते हैं। ठीक है, और ये सारा कुछ किसकी मदद से चलता है कि आपकी जो कमांड लाइन होती है उसके बीच में, मतलब हार्डवेयर पे डिपेंडेंट रहता है सारा कुछ। ठीक है, तो वहां से वो कोडिंग चलवा देते हैं जिसकी मदद से आपकी जो सॉफ्टवेयर रहती है वो करप्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हैकर या फिर किसी भी तरीके की फाइल होती है वो हमारी करप्ट होती है मैक्रो की मदद से। मैक्रो मतलब एक बैक फाइल होती है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह के पीसी के अंदर किसी भी फाइल को स्टोर करवा सकते हो और उसको एडिट या किसी भी कोडिंग के अंदर एड कर सकते हो। ठीक है, फाइल के अंदर तो ये चीज होती है इसके अंदर। मतलब मैक्रो मतलब बाद में आपको कभी भी एडिटिंग करनी हो कोडिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके लिए मैक्रो का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करें। तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया है कि फिर हम देखेंगे कि अब व्हाट इज मैक्रो, मतलब एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहता है वो हम देखने, वो जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैक्रो इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने अभी बताया कि वो वन टाइप ऑफ क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है assigned by name and could be used anywhere in a program। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहीं पर भी यूज हो सकता है कोड, जो भी आप कोड करते हो, मतलब बाद में आपको कोडिंग के अंदर एडिटिंग करनी है तभी इसका यूज होता है। तो इसके बाद NASM जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपको कोडिंग करने के लिए SM सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैक्रोस आर डिफाइंड विद परसेंटेज मैक्रो एंड परसेंटेज एंड मैक्रो डायरेक्टली, मतलब इन दोनों के बीच में ही आप सारा कुछ अपना कोड एडिट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको जब भी कोड है वो एडिट करना है तो परसेंटेज मैक्रो, और उसके बीच में आपकी जो भी प्रोग्रामिंग रहती है वो प्रोग्रामिंग रखनी है, और उसके बाद जैसे आपकी प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है तो उसके लास्ट में एंड मैक्रो लिखना है। मतलब वो आपकी वन टाइप ऑफ एक डायरेक्टिव फाइल बन जाएगी जिसकी मदद से आप वहां पर कमांड की मदद से एड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्रो की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में होगा। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर मैक्रो बनाने के लिए आपको NASM सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से आप वहां पे डेटा को या फिर फाइल को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई मैक्रो क्या होती है। अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी बहुत सारे है कि उसके बेनिफिट क्या है, तो वो सारा कुछ बताया गया मैक्रो एग्जैक्टली क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो वो मैंने जैसे आपको बताया वही चीज होती है, पेज के अंदर टिपली थोड़ा बताया गया है कि क्या चीज होती है वो। ठीक है, तो देखो, तो असेंबली लैंग्वेज मैक्रो इज अ टेम्पलेट। देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि वन टाइप ऑफ इसकी असेंबली लैंग्वेज की एक फाइल, मतलब एक टेम्पलेट बना दी जाती है जिसका फॉर्मेट पहले से ही फिक्स रहता है कि किस फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, तो वो हर एक जगह पे सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, अलग अलग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट रहता है कि किस तरीके की मैक्रो करनी है। ठीक है, तो उसके लिए उसका फॉर्मेट पहले से ही फिक्स रहता है। तो वुज फॉर्मेट रिप्रेजेंट अ पैटर्न ऑफ जीरो और मोर असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट दैट माइट बी कॉमन टू मल्टीपल प्रोग्राम। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोग्राम के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट असेंबली लैंग्वेज के अंदर बना रहे हो वो हर एक जगह पे सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी पहले टेम्पलेट बना दी जाती है, मतलब उसको पहले लिखा जाता है, उस कोड को जो भी आपको लिखना है बाद में एडिट करना है उसको पहले लिखना पड़ता है आपकी एक मैक्रो की फॉर्मेट में, मतलब एक उसका टेम्पलेट बनाना पड़ता है। फॉर दी प्रो, इसका मतलब क्या है, इसका पर्पज क्या है, तो मैक्रो लैंग्वेज इज यूज टू प्रोवाइड अ सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग मैक्रोस, मतलब जो ऑलरेडी उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है या फिर लैंग्वेज पड़ी है उसको भी आप डिफाइन वहां से चेंज कर सकते हो बाद में। ठीक है, चेंज करना मतलब बाद में आपके एडिटिंग करने के बाद जो पहले से ही प्री डिफाइन दिया गया है सिस्टम को उसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसकी सिंटेक्स बदल सकते हो आप। वेर इज अ सिक्वेंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंट बाई मैक्रो, मतलब अलग अलग सिक्वेंस
जो भी रहती है स्टेटमेंट रहती है असेंबली लैंग्वेज को, उसको आप वन टाइप ऑफ ऐसे मैक्रो बोल सकते हो, मैक्रो कॉल इज इंसर्टेड इनटू असेंबली प्रोग्राम सोर्स कोड। जैसे मैंने अभी बताया कि उसकी जो असेंबली लैंग्वेज की सोर्स कोड होती है उसके अंदर आप डेटा को कॉल कर सकते हो या फिर इंसर्ट भी करवा सकते हो, दोनों चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। अ मैक्रो फैसिलिटी इज यूज्ड टू इंटरप्ट मैक्रो डेफिनेशन एंड एक्सपेंड ईच मैक्रो कॉल एज इट अकर विद अ रिक्वेस्टिंग पैटर्न ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एक्सपांडेड सोर्स कोड रेडी फॉर द असेंबलर। मतलब जिस तरीके से उसकी फैसिलिटी कोड को रन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए दी जाती है और उसको उसका जो कोड है उसको एक्सपांड किया जाता है मैक्रो कॉल की मदद से। मतलब पहले से उसकी पैटर्न फिक्स रहती है कि मुझे इस तरीके की पैटर्न चाहिए, मतलब रिक्वेस्टिंग पैटर्न ऑफ असेंबली स्टेटमेंट। मतलब इसी तरीके से आपको उसकी कोड लिखनी पड़ेगी मैक्रो की, और जो भी उसका कोड रहता है उसको बाद में सोर्स कोड के साथ एक्सपांड मतलब अटैच किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी फंक्शनलिटी मैक्रो की बनाई गई है। ठीक है, तो ये मैक्रो था। उसके बाद भी है हमारे पास कि मैक्रो की डेफिनेशन एक्जेक्टली क्या होती है वो भी बताया गया कि असेंबली लैंग्वेज मैक्रो डेफिनेशन कैन बी प्री डिफाइंड। वो पहले से ही उसके सिंटेक्स होता है फिक्स रहता है एंड प्लेस्ड इन अ मैक्रो लाइब्रेरी। मतलब उसको एक अलग से एक मैक्रो की लाइब्रेरी रहती है, उसके अंदर आपको पहले सेट करना पड़ता है। ठीक है, और कैन बी इंक्लूडेड इन लाइन। मतलब उसी जो भी आपकी कोडिंग रहती है असेंबली लैंग्वेज की, उसके साथ में ही उस कोड को आप अटैच करवा सकते हो विथ असेंबली लैंग्वेज मॉडल। मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की मदद से मैक्रो डेफिनेशन ये काम करता है कि बाद में आपको कभी भी कोई भी कोड ऐड करना है या फिर उसके अंदर सिंटैक्स बदलनी है जो प्री डिफाइंड पहले से ही है उसके अंदर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैक्रो का काम रहता है। शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया जो पहले भी मैंने बताया हुआ था स्टार्टिंग। द हैंडलिंग ऑफ सिक्वेंस ऑफ प्रोग्राम बिकम्स, मतलब उसकी एक डायग्राम भी यहाँ पे आपको बताई गई है। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है वही जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको प्रेजेंटेशन मतलब व्यू फॉर्मेट में दिया गया। तो पहले स्टार्टिंग में देखो असेंबलर के पास क्या रहता है कि हम जो कोड करते हैं वो भी वन टाइप ऑफ मैक्रो फॉर्मेट ही रहता है। ठीक है, तो मैक्रो फैसिलिटी के अंदर वो लाइब्रेरी के अंदर सारा कुछ हमारा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर भी बताया कि मैक्रो की लाइब्रेरी यहाँ पर भी होती है और सोर्स कोड आप जो दे रहे हो, ठीक है, मैक्रो को जो कॉल करवा रहे हो, मैक्रो की जो डेफिनेशन है प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी वो सारी कुछ यहाँ पे जाएगी। मतलब आपका सोर्स कोड भी स्टार्टिंग में मैक्रो फैसिलिटी लाइब्रेरी के अंदर ही जाएगा, वहां से सारा डेटा एक्सपांड होगा। एक्सपांड मतलब वन टाइप ऑफ एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जिसकी मदद से मशीन में वो कोड किस तरीके से रन होगा बाइट टू बाइट या कोड टू कोड, ठीक है, तो उसको वहां पे जनरेट किया जाता है। मतलब यहाँ पे वो जनरेट होगा वन टाइप ऑफ एक्सपांडेड सोर्स कोड, उसे बोलते हैं। मतलब अलग अलग कर देते हैं, पैकेट के फॉर्मेट में होता है सारा कुछ। ठीक है, वो असेंबलर के पास जाएगा और असेंबलर उसे मेमोनिक कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। मेमोनिक कोड के बाद वो वन टाइप ऑफ एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, exe फाइल बन जाती है। ठीक है, जो लिंकर एडिटर के पास जाती है। लिंकेज क्या कहता है, लिंकेज जितने भी फंक्शनलिटी यहाँ पे उसके पास पैकेट के फॉर्मेट में आई थी और जो असेंबलर की मदद से ऑब्जेक्ट उसने बनाया, वो सारे ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू रन करवाएगा। जैसे रन करेगा तो उसकी जो फाइल फॉर्मेट थी उसके हिसाब से वो प्रोग्राम रन होना चालू हो जाएगा। और जो भी डेटा मतलब यहाँ पे जो भी लिंकेज बनी है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, उन सब की यहाँ पे लोडर के अंदर डेटा सारा लोड हो जाएगा। फिर उसको आप एग्जीक्यूट उस मॉड्यूल को पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मॉड्यूल आप यहाँ पे रन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे वर्क होती है मैक्रो डेफिनेशन के अंदर। तो ये थी मैक्रो की फंक्शनलिटी, हमें तो सिर्फ यही मैक्रो लाइब्रेरी वाला ही देखना था। ठीक है, आगे बढ़ते कि मैक्रो डेफिनेशन की फॉर्मेट, जहां पे मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ बताया, तो उसकी अब प्रोग्राम की मदद से सारा कुछ बताया गया है कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, मुझे कभी भी मैक्रो की प्रोग्रामिंग करनी रहेगी तो मुझे पहले स्टार्टिंग में परसेंटेज मैक्रो लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे मैक्रो परसेंटेज, तो उसका हेडर फाइल दिया है, जैसे आप सी लैंग्वेज के अंदर हैज इंक्लूड लिखते हो इंक्लूड आईओ डॉट एच। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी आपको देनी पड़ती है। मतलब जो प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी वो आपको वहां से मिल जाएगी लाइब्रेरी के में से। फिर उसका प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड, भाई कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, उसका आपको एक लेबल देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेबल देने के बाद आप मेमोनिक कोड लिखना चालू करते हैं।
मतलब ये मैक्रो का नाम मतलब आपका मेमोनी कोड हो गया, शॉर्ट कोड हो गया, ऐड करना है सब करना है, तो वो सारी चीजें हो गई। फिर पैरामीटर लिस्ट मतलब कितना डेटा उसके अंदर आपको पास करवाना है, मतलब दो रजिस्टर है या फिर एक वेरिएबल है डेटा है, तो वो आगे हमने जो नेक्स्ट इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ अ मैक्रो, मतलब मैक्रो के अंदर आप जितना भी कोड लिखना चाहते हो, जो भी आप रिप्लेस करवाना चाहते हो, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है कि टू रिप्लेस अ प्रोटोटाइप, मतलब रिप्लेस को भी आप करवा सकते हो। फिर एंड स्टेटमेंट, मतलब जब आपको मैक्रो को बंद करना है तो यहाँ पे एम एंड लिखना, पर यहाँ पे एक नॉट भी दिखाई गई है, देखो नॉट डेट द मैक्रो प्रोटोटाइप, मतलब ये वाली चीज जो हम कोड के अंदर लिखते हैं लेबल, डिफर फ्रॉम डेट ऑफ द कोर्स टेक्स्ट बुक टू परमिट इंक्लूजन ऑफ लेबल, मतलब वो हर बार अलग अलग होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे कोडिंग कर रहे हो अलग अलग फॉर्मेट में सारा कुछ है, तो अलग अलग लेबल आपको देना पड़ेगा, मतलब ये ऑप्शनल है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, पर पता चलेगा कि कहाँ से कौन सी कोडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो लेबल रहती है वो हर बार आपको अलग अलग ही देनी पड़ेगी, जो पहले से ही प्रीडिफाइन नहीं होती, आप अपनी तरीके से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये मैक्रो की प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन थी, ये मैक्रो किस तरीके से रन होता है उसकी डेफिनेशन थी, ठीक है, और उसका ये फॉर्मेट था, उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्रो वर्कआउट करता है, ठीक है। तो मैक्रो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा मैक्रो एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सबरूटीन, ठीक है। तो सबरूटीन भी एक असेंबली लैंग्वेज के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये भी हम देख लेंगे कि सब रूटीन असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से यूज किया जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, अ प्रोग्राम इज मेड अप, तो सब रूटीन का मैं आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सब रूटीन मतलब जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े समथिंग 30 या 20 लाइन का हमने जो प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो वो क्या है कि एक शॉर्ट प्रोग्राम है, तो उसका उसको क्या करेगा, एक छोटे पार्ट के अंदर डेटा को कन्वर्ट नहीं होता, जब वो रन करने के लिए या कंपाइल होने या असेंबलर के अंदर जाता है इंटरप्रेट होने के लिए, तब उसको छोटे छोटे पार्ट के अंदर वो कन्वर्ट करता है, मतलब सब मॉड्यूल के अंदर, मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया वो आपका एक मॉड्यूल था, और उसको जब रन करने के लिए जाएंगे तो उससे पहले जितने भी जी लाइन थी हमारी उसको एक छोटे छोटे प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसे यहाँ पे मतलब सब मॉड्यूल बनाए जाते हैं जो सिस्टम की तरफ से बनाए जाते हैं, ठीक है, उसे यहाँ पे सब रूटीन बोला जाता है, मतलब एक कोड के अंदर फॉर्मेट के अंदर उसको पैकेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उसे यहाँ पे सब रूटीन बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट करना बाय सिस्टम, ठीक है, उसे सब रूटीन बोल सकते हो आप। तो उसकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो उसका ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया है कि सब रूटीन एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। अब प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो जो प्रोग्राम रहता है वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन की मदद से बनाया जाता है, विच इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में आप लिखते हो। इन अ गिवन प्रोग्राम इट इज ऑफन नीडेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर सब टास्क मेनी टाइम ऑफ डिफरेंट डेटा वैल्यू, मतलब अलग अलग डेटा को आप रिप्रेजेंट करने के लिए एक सब टास्क बना देते हो, मतलब सब वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल बनाया उसको आप दूसरा वेरिएबल डिफाइन करो, तो आपने वहां पे दूसरा वेरिएबल भी बना दिया, तो आप वहां पे क्या हो गया कि वन टाइप ऑफ जितने भी आप वेरिएबल या कोई भी लॉजिक लिखते हो, ठीक है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन करवाते हो, तो वो सब रूटीन के अंदर मतलब सब पार्ट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। सो वी स्प्लिट द प्रोग्राम इंटू स्मॉलर यूनिट, तो सिस्टम क्या कहता है कि जो भी आपका प्रोग्राम है उसको एक स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, विच सॉल्व द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब जो पार्ट उसका बना हुआ है उसको वो सॉल्व करता है उस टाइम पे जब छोटे छोटे यूनिट उसके बनाए जाते हैं। दिस टास्क स्पेसिफिक सब यूनिट आर टर्म्ड एज अ फंक्शन, जिसको आप फंक्शन भी बोल सकते हो, प्रोसीजर भी बोल सकते हो और सब रूटीन भी बोल सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट के अंदर बताया कि आपका जो प्रोग्राम रहता है उसको स्मॉल मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय सिस्टम, उसे यहाँ पे आप फंक्शन भी बोल सकते हो, प्रोसीजर भी बोल सकते हो या फिर सब रूटीन भी बोल सकते हो, या फिर अपनी तरीके से भी आप जो भी फंक्शनलिटी बनाते हो, फंक्शन यूज करते हो, प्रोसीजर यूज करते हो, ठीक है, उसे भी यहाँ पे सब रूटीन ही बोला जाएगा, मतलब उस टास्क के अंदर उसको इतना ही करना है, मतलब जब उसका कॉल होता है तब उतना टास्क इसको करना है, उसको वहां से
पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज होती है। इन असेंबली लैंग्वेज वी यूज द वर्ड सब रूटीन। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शन की जगह पे प्रोग्रामिंग में होते हैं तो फंक्शन बोलते हैं, और असेंबली लैंग्वेज के अंदर सब रूटीन बोलते हैं। फॉर ऑल सब प्रोग्राम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शंस यूज्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दोस यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज, मतलब जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन बोलते हैं उसे यहाँ पे सब रूटीन बोला गया है, सब प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद और भी है कि द ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंस्टिट्यूट अ सब रूटीन कैन बी इंक्लूडेड एट एवरी पॉइंट इन द मेन प्रोग्राम व्हेन दैट टास्क इज नीडेड। जब उस टास्क की जरूरत होती है तब जितने भी उसके सब रूटीन होते हैं उसको एक पॉइंट के थ्रू पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा किया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उसकी जो भी टास्क होती है वो परफॉर्म होना चालू होती है। फिर लिखा है कि दिस वुड रिजल्ट इन अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मेमोरी, मतलब इसकी मदद से क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा मेमोरी का यूज होने वाला है तो उसके लिए वो सब रूटीन क्या करता है कि अलग अलग पार्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जिसकी मदद से आपकी मेमोरी कम हो जाएगी, कम ऑक्यूपाई करेगी। फिर ये कि ओनली वन कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंस्टिट्यूट द सब रूटीन इज प्लेस इन मेमोरी, मतलब जो भी डेटा को इकट्ठा किया गया है उन सबको एक मेमोरी सब रूटीन की मदद से एक मेमोरी के अंदर प्लेस किया जाता है और वहां से ही उसको बार बार यूज किया जाता है, मतलब एक ही बार उसको सेव किया जाता है और वहां जहां पर वो स्टोर हुआ है वहां से आप रिपीटेडली उसको यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये था सब रूटीन, ठीक है, आपको स्मॉल में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर उसके कंपोनेंट क्या क्या है वो भी यहाँ पे बताए गए कि कंपोनेंट एग्जैक्टली किस तरीके से होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर क्या क्या होता है वो भी यहाँ पे बताया गया आपको, ठीक है, तो उसका भी हम डिस्कस कर लेंगे कि रूटीन के अंदर सब रूटीन के अंदर एग्जैक्टली उसके कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूटीन, मतलब जहाँ से जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है वो एंट्री पॉइंट के थ्रू डाल दी जाती है। फिर है कि पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर वन टाइप ऑफ, मतलब उसके अंदर कितने वेरिएबल्स पास किए गए, लिस्ट ऑफ रजिस्टर, मतलब उसके लिए रजिस्टर भी पहले से ही ऑक्यूपाई करके रखते हैं कि भाई ये कोई भी किसी भी तरीके का डेटा आया है, पैरामीटर आया है, तो उसको यहाँ पर स्टोर करवाना है, तो उसको पहले से ही मेमोरी या फिर रजिस्टर के अंदर एक जगह फिक्स की जाती है। द लिस्ट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन द पैरामीटर ऑफ द रूटीन, मतलब जिसके अंदर वो पैरामीटर की वैल्यू है वो स्टोर करवा के रखते हैं। फिर रिटर्न वैल्यू द लिस्ट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन टू सेव द रिजल्ट, मतलब जितनी भी उसके पास डेटा को कैलकुलेट, मतलब पैरामीटर है तो उसका कुछ लॉजिकल पार्ट वहां पे बीच में चला होगा, तो लास्ट में जो आंसर आया उसको स्टोर करने के लिए भी एक रिटर्न वैल्यू को यूज किया जाता है, मतलब उसके अंदर भी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन की यूज की जाती है। फिर है कि वर्किंग स्टोरेज द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड बाई रूटीन टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब जो भी आपका स्टोरेज है वहां पे जो भी लास्ट आंसर मिला है उसको वो स्टोर करके रखता है और वहां से वो आउटपुट को भेज देता है। मतलब चार पॉइंट है इसके, एंट्री पॉइंट, पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यू और वर्किंग स्टोरेज, ये चार पार्ट के अंदर इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको सब रूटीन, मतलब किस तरीके की कंपैरिजन करवानी है, मतलब किस तरीके का डेटा वहाँ पे मिलेगा, तो उसके यहाँ पे ब्रांच इंटरप्रिटेशन किस तरीके से वो इंटरप्रिट होता है और उसका नॉर्मल यूज क्या होता है जो हमारे लिए होता है, ठीक है, हमें एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई। ये तो बहुत ही कम फंक्शनलिटी यहाँ पे दी गई है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बी दिया है तो ऑलवेज टेक दिस ब्रांच, ठीक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के रखता है। फिर बी ए एल, ऑलवेज इंटरप्रिटेशन उसका ऑलवेज होता ही होता है, ऑलवेज टेक दिस ब्रांच, मतलब इसके अंदर भी सेम एक पॉइंट पकड़ के वो रखता है। फिर बी ई क्यू, मतलब इक्वल टू, ब्रांच इक्वल टू, कंपेरिजन इक्वल और रिजल्ट जीरो, ठीक है, मतलब वो जीरो के बराबर होगा तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर बी एन ई, मतलब नॉट इक्वल, कंपेरिजन नॉट इक्वल और नॉन जीरो, मतलब वहां पे नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए बी एन ई का मतलब। फिर बी पी एल प्लस, रिजल्ट पॉजिटिव और जीरो, जीरो या पॉजिटिव होना चाहिए। फिर बी एम आई, तो माइनस होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की आप बी सी सी, मतलब एरिथमेटिक ऑपरेशन आप कर रहे हो वहां पे, तो कैरी वो रिटर्न नहीं करेगा,
क्वेरी क्लियर कर देगा, मतलब जो भी डेटा उसको मिलेगा एक्स्ट्रा, जैसे कि 1 1 करेंगे तो हमें 1 0 मिलेगा, तो 1 जैसे क्वेरी के फॉर्मेट के तो उसको डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से फॉर्मेट सारी यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। आपको यहाँ पे आप अच्छे से उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी और भी फंक्शनलिटी दी गई है, जैसे कि BVS ओवरफ्लो सेट, मतलब साइन इंटीजर ऑपरेशन ओवरफ्लो अगर हो जाएगा तब, उसके बाद की अनसाइन के लिए या फिर साइन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे सब रूटीन के फॉर्मेट में दी जाती है, जिसकी मदद से आप कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हो असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ओके, तो जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो लेक्चर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर में क्या देखा कि सब रूटीन, उसके कंपोनेंट और मेन चीज मैक्रो, ठीक है। मैं एग्जैक्टली मैक्रो होता क्या है, मैक्रो की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमने आज के लेक्चर के अंदर स्टडी किए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।